बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आपका इस कार्यक्रम में। हम आज बात करेंगे कि इस वक्त कोरोना का काल चल रहा है, बहुत सारी मौतें हो रही हैं पूरे देश में, हम देखे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेकर। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तब वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो किस धर्म का है या किस जाति का है। लेकिन ऐसे में भी कुछ लोगों के मन में अगर ये भावना बनी रहे कि वो किस जाति का है सामने वाला व्यक्ति या किस धर्म का है, और उसको लेकर वो सबके सामने किसी व्यक्ति को गाली दे, और ख़ास तौर से वो जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हो, जो खुद प्रोफेसर हो, जो खुद किसी बच्चों को शिक्षा दे रहा हो, पढ़ा रहा हो, वो भी अगर इस मानसिकता से ग्रस्त हो, जातिवादी मानसिकता से, या फिर फर्जी राष्ट्रवाद के आड़ में किसी धर्म के खिलाफ अगर वो मानसिकता से ग्रस्त हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? आगे बढ़े उससे पहले ये वीडियो देखिए। दिस इज द मिनिमम यू कैन डू फॉर योर कंट्री। प्लीज स्विच ऑफ दिस बैकग्राउंड साउंड। प्लीज मूव योर कैंपस एंड लेट मी योर इयर्स लिसन टू मी। If you do not get out of the class, I have 20 marks for you. I will give zero to everybody, all 128. Do you want that? Tell me, do you want that? No, ma'am. Shameless creatures, you have to only stand up for 2 minutes. You have to stand for 2 minutes in honor of the national anthem. You cannot do it, and one bloody bastard, you know. This is also on your parents. Take it like that. I'm calling your parents back. Do you have any shame? You shameless creatures of prep course. One smart fellow did not stand up for the national anthem and saying Bharat Mata Ki. Are you in school now, bloody bastard? When will you learn sense, you idiotic people, prep course? I hear you 1 week time. Have you not caught up with my reputation? You don't know who I am, right? Okay. I will tell you who I am. आपने देखा होगा किस तरह से वो लगातार ये बोल रही थी, लगातार गालियां दे रही थी, लगातार वो किसी एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष के व्यक्ति को, स्टूडेंट्स को वो लगातार कुछ अपशब्द कह रही थी। अपशब्द अंग्रेजी में थे, लेकिन बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरे। Are you in school now, bloody bastard? Are you in school now, bloody bastard? ये वो लोग हैं जो राष्ट्रवाद को ओढ़कर सामने वाले को ये दिखाना चाहते हैं कि वो सबसे बड़े देशभक्त हैं, लेकिन उनकी ये राष्ट्रवादिता तब सामने नहीं आती जब कोई तिवारी इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा हो। इनकी राष्ट्रवादिता तब भी सामने नहीं आती है जब हम ये देखते हैं कि ऐसे समय में जब पूरा देश हाहाकार कर रहा है, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं, ऐसे में भी आईपीएल का सट्टा चल रहा है, आईपीएल का व्यापार चल रहा है, क्रिकेट के नाम से आईपीएल का व्यापार चल रहा है, और वो इससे कमाई कर रहे हैं, और बहुत सारी कंपनियां इसमें अपना पैसा लगा रही हैं। वो लोग वहां पैसा नहीं लगा रहे हैं जहां पर इस वक्त ज़रूरत है। ये बात हमारे देश के खिलाड़ियों को नहीं दिखती, वो लोग जो इस वक्त इस तरह की गालियां दे रहे हैं एक जाति विशेष को, उनको ये नहीं दिखता कि किस जाति के वो खिलाड़ी हैं जो इस देश में सर्वोपरि माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं। वो बात उनको दिखती है जो विदेशी हैं। विदेशी खिलाड़ी यहाँ पर भारत के लोगों की सहायता करने के लिए आगे आते हैं, अपना पैसा दान करते हैं, खुद का पैसा दान करते हैं, और ये भी चाहते हैं कि यहाँ के देश के लोग इस बीमारी से उभरें, यहाँ के लोगों की सहायता हो। ये बात यहाँ के खिलाड़ी नहीं देख पाते, और ये जो फर्जी राष्ट्रवादी वाले जो लोग हैं उनको भी ये लोग नज़र नहीं आते। आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें कहा गया था कि एकलव्य का अंगूठा काट लिया था किसी द्रोणाचार्य ने, वो शिक्षक था,
कहने को शिक्षक था, लेकिन उसके शिक्षा के बिना जब कोई निचले तबके का वो व्यक्ति जिसको वो जाति से सबसे नीचे रखना चाहते थे, जिसको शिक्षा से वंचित करना चाहते थे, उसने जब शिक्षा ग्रहण कर ली, जब वो शिक्षित हो जाता है, जब वो हुनरमंद हो जाता है, तो वो आगे न निकल जाए इसलिए उसका अंगूठा काट लेता है, जबरदस्ती काट लिया जाता है, लेकिन उसे वो दान कहता है। और ये कहानी प्रचलित है। आपको क्या ये नहीं लगता कि यही डीएनए चला आ रहा है लगातार? वही डीएनए है जो इस महिला में, जो कि अपने आप को प्रोफेसर कहती हैं, उस पद पर हैं, वो भी वही डीएनए से ग्रसित हैं, उनके अंदर भी वही डीएनए चला आ रहा है। शिक्षा जगत से ही इस घटना पर एक प्रतिक्रिया आई है, सुनते हैं। देश का हर विश्वविद्यालय ऐसा है, देश का शायद ही कोई विश्वविद्यालय ऐसा होगा जहां इस तरह से जातिवादी मानसिकता से ग्रसित प्रोफेसर नहीं होंगे, वहां के ऑफिसर नहीं होंगे, वहां का रजिस्ट्रार नहीं होगा और वहां का वाइस चांसलर नहीं होगा। द्रोणाचार्य केवल टीचर नहीं है, रजिस्ट्रार भी हैं, वाइस चांसलर भी हैं, एक से खतरनाक किस्म के जातिवादी लोग वाइस चांसलर बने हुए, चूँकि ये सरकार जो है ऐसे ही लोग को चुन चुन के भेज रही है कि वो अपनी जाति के लोग की नियुक्तियाँ करो, जातिवादी लोगों को भरो, कर्मकांड, अंधविश्वास और ये बजबजाती जो मानसिकता है इसका प्रचार प्रसार करो, तभी ये जातिवाद बचेगा, तभी सवर्ण वर्चस्व भारत में बचा रहेगा। ये फ्रस्ट्रेशन है, एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, एक बहुत बड़ा इनका जो है एक बहुत बड़ी कुंठा है, क्योंकि ये वर्ग जानता है कि इनके इनके जो पूर्वज थे ये अक्षम लोग थे, अभी भी अक्षम लोग हैं, तब भी ये सक्षम नहीं थे, अभी भी सक्षम नहीं है। सक्षम कौन था और सक्षम कौन है? जो मेहनत कश तबका था, जो कामगार तबका था, वो तब भी सक्षम था, वो आज भी सक्षम है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव काम उसने किया, नेशन बिल्डिंग का काम उसने किया, आज भी वो कर रहा है। लोहे का काम हो, चाहे लकड़ी का काम हो, चाहे घर बनाने का काम हो, पत्थर तोड़ने का काम हो, खेती करने का काम हो, ये जितने तरह के जो काम है, जो जिस निर्माण के काम है, ये सब इसी तबके ने किया। तो दूसरे वर्ग के जिम्मे क्या है? अगर दूसरा वर्ग सच में मेरिटोरियस होता, ये उसे पता है कि उसके पास मेरिट नहीं है, उसके पास झूठ है, फरेब है, उसके पास कुछ काल्पनिक देवी देवता है, उसके पास कुछ कहानियां हैं, इसके सहारे वो दुनिया के इतिहास में फिलहाल ऐसी घटना नहीं हुई होगी और अभी भी नहीं होगी कि झूठ फरेब की कहानियाँ रच के कुछ भगवान बना के थोड़े से जो प्रतिशत लोग हैं, 10-15% लोग, वो यहाँ के बहुसंख्यक तबके पे पूरी तरह से सत्ता में काबिज हैं, चाहे सामाजिक सत्ता हो, सांस्कृतिक सत्ता हो या राजनीतिक सत्ता हो। यहाँ तक कि जो दलित या ओबीसी या बहुजन समाज की जो राजनीतिक सत्ता आती है, वहाँ भी घुस के उसको भी बर्बाद करते हैं, उस पर भी काबिज हो जाते हैं। ये दिलचस्प है, ये इनकी सफलता है। तो इन्हें पता है कि ये अक्षम लोग हैं, ये मेरिटोरियस लोग नहीं है। मेरिटोरियस होते तो मोबाइल का आविष्कार ये लोग करते, इंटरनेट बनाते, हवाई जहाज बनाते, रेल बनाते, मेट्रो ट्रेन बनाते, बुलेट ट्रेन बनाते, ये सारी चीज़ों का आविष्कार ये भारत में होता। और यहाँ का जो जिसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो महिला जिस वर्ग से आती है, जिस जाति से आती है, इन जातियों के तमाम लोग, अगर सच में इनके पास मेरिट होती तो आज देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार नहीं मचता। ये इनकी मेरिट है, ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये लोग ऐसे ही सत्ता चला सकते हैं, ये नफरत फैला सकते हैं, दंगे करवा सकते हैं, ये जो है आपस में लोगों की दिलों की दूरियां बढ़ा सकते हैं, ये जातिवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो अचानक नहीं है उस प्रोफेसर ने ऐसी टिप्पणी की। इन लोगों को ऐसे ही भारत चाहिए जहां नफरत हो, जहां लोकतंत्र ना हो, जहां संविधान ना हो, जहां भाईचारा ना हो, जहां बहनापा ना हो, जहां इंसानियत ना हो, जहां सद्भाव ना हो, वरना तो यहां के सवर्णवाद की पोल खुल जाएगी, यहां का ब्राह्मणवाद तो फिर जो है बेनकाब हो जाएगा। कि ये जो लोग थे, जो काबिज थे, थोड़े से लोग जो आज भी काबिज हैं, इन लोगों ने कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया, कोई आविष्कार नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मानवता को फ़ायदा होता, जिससे देश दुनिया को फ़ायदा होता। तो आज जो देश में कोरोना के कारण जो ऑक्सीजन, इससे लोग मर रहे हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये ऐसे ही सत्ता चला सकते हैं, ये इनकी क्षमता ही यही है, इनकी मेरिट यही है। तो अब चाहे ये प्रधानमंत्री हो इस विचारधारा के लोग, चाहे कहीं के वाइस चांसलर हो, चाहे ये कोई प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर इनके अंदर से वो गंदगी नहीं निकलती है तो तमाम सारी जो है वही बजबजाती जो नाली की गंदगी है, ये सब अपने दिमाग में लेके घूमते हैं।
वो IIT में मिल सकते हैं, वो AIIMS में मिल सकते हैं, जितने मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं इस देश में वहाँ मिल सकते हैं, विश्वविद्यालयों में मिल सकते हैं। और यहाँ से जब ये विदेश जाते हैं वहाँ भी ये सारी सड़ी गली चीज़ें लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं कि विदेशों में ये लोग मुक्त हैं, क्योंकि इस सरकार को पैसे से जो है मदद करने वाले और हो चिल्लाने वाले लोग विदेशों में भी बहुत भरे पड़े हैं, NRI भरे पड़े हैं। तो जितने कर्मकांडी, जितने अंधविश्वासी, जितने पोगापंथी ये हैं, वैसे ही वहाँ भी हैं लोग। भले अमेरिका में, कनाडा में हैं, सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, लेकिन दिमाग से वही हैं जो यहाँ से निकल के गए, जो गोबर है वो गोबर लेकर गए हैं, वो दिमाग से गोबर नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जितने प्रोफेसर हैं जो जातिवांशी मानसिकता से ग्रस्त हैं, मेरा मानना है इन सब के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये नाली का जो बजबजाता, नाली में जो बजबजाता कीचड़ होता है, इन सब के IIT हो या AIIMS हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जो भी जातिवासी मानसिकता से ग्रस्त प्रोफेसर है वो सब नाली के अंदर का जो बजबजाती, जो बजबजाता जो कीचड़ होता है वही उनके दिमाग में है। और इनके पूर्वजों ने इनकी विरासत में कोई इंसानियत और मानवता के लिए किया हुआ काम इनके हिस्से में नहीं है, कोई आविष्कार इनके हिस्से में नहीं है। आज दुनिया में देखिए वैज्ञानिकों ने कितने बड़े बड़े आविष्कार किए कि आज पूरी मानवता उसका लाभ ले रही है, चाहे वो ऑक्सीजन बनाने की मशीन हो जिससे आज लोगों की जान बच रही है, वो भी यहाँ के लोगों ने नहीं बनाया। कोई भी मशीन आप देख लीजिए, एक्सरे मशीन को देख लीजिए, CT स्कैन की मशीन को देख लीजिए, MRI मशीन को, मेडिकल के भी जितने तरह के टीके हैं, जितने तरह की दवाइयाँ हैं, जितने तरह के वैक्सीन हैं, इस सब का तकनीक पश्चिम से ही आया। हमारे यहाँ के जो लोग हैं जो उच्च अपने आप को मानते हैं, जो औरत गाली दे रही है दूसरे को, गाली का जवाब गाली नहीं होता, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि इनको भी गाली दी जानी चाहिए, नहीं। वो बेचारे मनोरोगी लोग हैं, वो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, वो मनुष्य नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो भी जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है वो अभी मनुष्य बनने की प्रक्रिया में है, वो मनुष्य नहीं बन पाया है। और यहाँ के जो 15% लोग हैं उसमें जो मैक्सिमम जो संख्या है वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कुछ भी वो मुख्यमंत्री, IAS, IPS और प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो जाए, प्रोफेसर क्यों ना हो जाए, गायक क्यों ना हो जाए, क्रिकेटर क्यों नहीं हो जाए, फिल्म स्टार क्यों ना हो जाए, लेकिन वो मनुष्य नहीं बन पाया है, वो इंसान नहीं बन पाया है। अगर वो इंसान बनता तो फिर वो ब्राह्मण नहीं होता, वो राजपूत नहीं होता, वो क्षत्रिय नहीं होता, वो मनुष्य होता। इस समाज में जो मनुस्मृति से संचालित ब्राह्मणवादी समाज है, इसमें ग्रामीण स्तर पर जो सीधे शारीरिक हमले दिखाई देते हैं उसके बहुत बहुत महीन तंतु आपको अर्बन सोसाइटीज़ में दिखाई देंगे। इस अर्बन सोसाइटीज़ में जो हेट्रेट है, जो कास्ट, जो अर्बन कास्टिज़म है, ये बहुत बारीक तरीके से हमले करता है। सामने से तो वो बहुत मीठा दिखाई देता है, पर जिस तरह की छुरियाँ वो चलाता है, जैसा जहर वो व्यक्त करता है हमारे टैलेंटेड बच्चों के सामने, IIT खड़गपुर में जो कुछ भी दलित अस्मिता को अब्यूज़ करने का प्रोफेसर सीमा सिंह द्वारा जो निंदनीय कृत्य किया गया है, उसके लिए प्रशासन ने उसकी सजा भी दी है। ये तो चूंकि क्लास थी और ये रिकॉर्डेड मैसेज था, रिकॉर्डेड वीडियो था, इसलिए जाहिर हो गया, वरना आप याद करिए कि चाहे वो पायल तड़वी हो या रोहित वेमुला, दोनों के दोनों ही जो बहुत चर्चित केस रहे हैं, यहाँ मतलब कितनी पीड़ा, कितना अपमान,
सहा होगा उन्होंने कि ये लोग इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारे आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत मिल नहीं पाता। ये तो दो चर्चित केस थे, इसके अलावा जाने जाने कितने ऐसे ही केसेस हैं जिनमें हमारे बच्चे आत्महत्या ज़रूर करते हैं पर उनके सुसाइडल लेटर्स नहीं मिलते हैं, कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि इन लोगों ने इस अपमान की वजह से आत्महत्या की है। अपने आप को समाप्त कर लेने के अलावा और कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं देता। वो बेचारे इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि भरी क्लास में अपना, जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए भी अपमान बर्दाश्त कर लें। प्रोफेसर सीमा सिंह तो उजागर हो गई, पर उनका क्या जो अभी उजागर नहीं है और वो इसी तरह की जुमलों से अपनी विकृत मानसिकता से समाज को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं, जो जो संवैधानिक तरीके के अपने लिए तो अधिकार लेना जानते हैं पर संवैधानिक कर्तव्यों को संचालित करने में अक्षम हैं। अधिकार लेना और कर्तव्य करना, यही स्वतंत्रता शब्द को मानीखेज बनाता है, मायने प्रदान करता है। तो अभी हमारे देश ने और जो 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 अध्यापक वर्ग है जो देश को एक दिशा देता है, देश के युवा देश के नागरिक तैयार करता है, जब वही अभी विकृत और मनुवादी व्यवस्था से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाया है, जो संवैधानिक ढांचे को समझ नहीं पाया है, वो भला किस तरह का नागरिक तैयार करेगा। हमें एक अच्छे समाज की ज़रूरत है और उस अच्छे समाज में डॉक्टर अंबेडकर को समझा जाना इसलिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर को समझने का मतलब है कि हम संविधान का गंभीर अध्ययन करें। दो नावों पर सवार होकर चला नहीं जा सकता कि धर्म मेरा व्यक्तिगत मसला है और संविधान एक अलग चीज़ है। आप धर्म को यदि व्यक्तिगत मसला मानते हैं तो कम से कम इस तरह से सार्वजनिक तौर पर दलित बच्चों को, स्त्रियों को, या जिस भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना झेले, कुछ ऐसे समाज के निर्मिति की ओर बढ़ना ज़रूरी है। बहुत बहुत बाध्यता IIT खड़गपुर का प्रशासन कि उसके पास सबूत हाथ लग गया था। ज़रा सोच के देखिए कि ये सबूत हाथ नहीं लगता तो क्या प्रोफेसर सीमा सिंह किसी भी तरह की सज़ा का पात्र बनती? ये फ्रस्ट्रेशन है इनका, इनकी कुंठा है कि सब SC ST OBC के बच्चे मेहनत से अपनी काबिलियत से आगे आ रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। हर जगह का जो रिजल्ट है इस समय आप देखिए, अगर इंटरव्यू में बदमाशी ना हो, इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया जाए, केवल रिटर्न हो, तो हर जगह जो है वंचित तबके के बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाएंगे। यही कारण है कि जो दुर्नाचारे लोग हैं वो एकलव्यों से घबराए हुए हैं। एकलव्य तो अंगूठा काट के देने वाला है नहीं, अंगूठा काट लेगा वो गर्दन भी काट सकता है। और एकलव्य ने भी अंगूठा नहीं दिया था काट के, ये फर्जी कहानी है। एकलव्य का अंगूठा धोखे से इन लोगों ने काटा था, किसी एकलव्य ने जो है वो अंगूठा अपना काट के नहीं दिया, ये कहानी इन्होंने फर्जी रची हुई है। तो अब छटपटाहट ये है, घबराहट ये है कि कल तक जो नीचे तबके काम करते थे, ये सब काम करते थे, हमारी सेवा का काम करते थे, सफाई का काम करते थे, ये हमारी बराबरी में कैसे इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, प्रोफेसर होंगे? प्रॉब्लम ये है। तो ये मामला केवल IIT खड़गपुर का नहीं है, ये जो भी IIT जितने हो, IIM जितने हो, यहाँ के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो,
हर जगह इस तरह के कुत्सित मानसिकता के लोग, बीमार मानसिकता के लोग, एक खास तबके के लोग भरे पड़े हैं, जमे हुए हैं। ये तो इस औरत का, इस औरत की बात सामने आ गई, इसका वीडियो वायरल हो गया तो लोग जान गए, वरना मानसिकता वही है। लोग अंगूठा नहीं काट सकते हैं तो ग्रेड काट लेते हैं, नंबर काट लेते हैं, वही नफरत लोग लेके पाल रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि इनका विरोध भी हो रहा है। तकनीक ने हमें आज इतनी सारी चीज़ें दी हैं, फेसबुक दिया, इंटरनेट दिया है, और जो है सोशल मीडिया के रूप में यूट्यूब है, और जो है व्हाट्सअप है, तमाम सारे जो हमारे पास संसाधन ऐसे विज्ञान ने दिया, इन लोगों ने नहीं दिया, भारत के लोगों ने नहीं दिया। विज्ञान ने हमें इतनी सुविधाएं दी हैं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो व्यक्ति भी वंचित तबके से आता है, आगे निकल के आता है, वो फाइट करे, वो लड़े, वो बोले। आप नहीं बोलेंगे तो आप गुलाम रहेंगे, तो ज़िंदगी भर गुलाम रहोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ गुलाम रहेंगी। इसलिए बोलना सीखो, लड़ना सीखो, आवाज़ उठाना सीखो।